आज मैं भारत की एक ऐसी जगह को विजिट करने जा रहा हूँ जो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फेमस है, और ये जगह कहीं और नहीं बिहार में है, जो कि बोधगया से फेमस है। इसी स्थान पर भगवान गौतम बुद्ध को बुद्धि की प्राप्ति हुई थी। 2002 में यहाँ पर स्थित महाबोधि टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि एक टाइम पर कपिलवस्तु का राजकुमार हुआ करते थे। कपिलवस्तु जो कि नेपाल में है, 29 साल की उम्र में अपने राज्य के साथ साथ अपने पत्नी बेटे और अपने सुख सुविधाओं वाले जिंदगी को त्याग कर निकल पड़ते हैं जीवन के सत्य की तलाश में। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध कुछ दिनों के बाद निरंजना नदी के तट पर बसे एक छोटे से गाँव उरवेला आ जाते हैं। आज वही उरवेला गाँव बोधगया के नाम से फेमस है, जहाँ उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे, जो कि आज बोधि ट्री के नाम से फेमस है, बहुत ही कठिन तपस्या की और अंततः उन्हें जीवन के सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। खैर, इस ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए दिन और एक नई कहानी के साथ।